नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। पहले से ही कोरोना महामारी से परेशान परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोग शासन की अनदेखी से और परेशान हो रहे हैं। दरअसल त्रिवेंद्र कैबिनेट की ओर से कॉमर्शियल वाहनों की टैक्स माफी का समय 3 महीने बढ़ाया गया था, जिसका लिखित में आदेश शासन द्वारा जारी नहीं किया गया। ऐसे में वाहन स्वामियों को टैक्स माफी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि आरटीओ की ओर से लिखित आदेश न आने की बात कहकर वाहन स्वामियों से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का 4 माह का पेनल्टी समेत टैक्स मांगा जा रहा है, जिससे सरकार की कॉमर्शियल वाहनों की टैक्स माफी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महासंघ का अध्यक्ष भी हूँ और साथ साथ आपने देखा होगा कि हम लोग जो है हमारा 15 तारीख तक जो है अक्टूबर का हमारे को टैक्स जमा कराना था, जिसमें मैं स्वयं भी गया था और मेरे साथ कई लोग भी गए थे, जिसमें वो बार बार शिकायत कर रहे थे कि जी हमारा जो अब टैक्स हम जो टैक्स जमा कर रहे हैं तो वो जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर तीन महीने का टैक्स और ले रहा है, और जब वो टैक्स ले रहा है तो जो 3 महीने का जो टैक्स है वो पेनल्टी के साथ लिया जा रहा है। तो मेरे द्वारा जब इनसे अधिकारी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि भाई अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, और जब सरकार ने एक बार घोषणा कर दी थी तो आदेश भी इनको जल्द से जल्द देने चाहिए थे, क्योंकि उससे क्या है कि अगर हम 15 तारीख के बाद अगर हम मान लो सरकार हमारा सितंबर तक का टैक्स माफ़ कर देती है और हमें अक्टूबर का टैक्स जमा कराना पड़ेगा, और 15 तारीख से अगर बाद में अगर कोई आदेश आता है तो वो 15 तारीख के बाद का जो हमारे पास जो आपकी पेनल्टी है वो हमें अक्टूबर के टैक्स में जमा करानी पड़ेगी। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि अगर आपने घोषणा करी है तो कहीं ना कहीं जो है जल्दी से जल्दी इस कार्य को करा जाए, जिससे कि लोग अपना टैक्स जमा करा सके और आगे चलानों से बच सके। एक आपका परेड ग्राउंड के सामने एक सिटी बस कार्यालय है, जिसकी मैंने सूचना मांगी थी बिजली विभाग से कि भाई जो इनका मीटर लगा हुआ है उसमें क्या क्या आपके यहाँ पर दस्तावेज जमा कराए गए हैं। तो इनके द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा मेरे को जो अब सूचना दी गई है उसमें ये लिखा गया है कि ये 20 साल हो गए इसको कार्यालय को खुले हुए और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे यहाँ खो गए। अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब इनके डॉक्यूमेंट्स खो गए तो इनको कैसे पता कि ये 20 साल हो गए, जबकि ये जो है 13 से 14 साल हुए हैं इसको अवैध खोखे को ही, क्योंकि उसके भी जो मैंने अवैध खोखे की भी जो है कार्यालय की मैंने सूचना मांगी थी, जिससे मुझे नगर निगम और खेल विभाग द्वारा बताया गया था कि ये हमने आवंटन नहीं करा था। तो सीधा सीधा जो है इसका मतलब जो है बिजली विभाग ने जो बिना दस्तावेजों को ही कहीं ना कहीं अधिकारी ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर और जो इस तरह का बिजली मीटर लगाया। तो मेरे द्वारा जो है जो मुख्य अभियंता है गढ़वाल मंडल में, उनको मैंने एक पत्र लिखा है जिसे मैंने कहा है कि जिन अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध जो है ये बिजली का मीटर लगाया गया है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में जो बिना जो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं बिना किसी दस्तावेज के मीटर को कहीं ना लगाना सके और ये एक मिसाल भी कायम हो सके। कैबिनेट ने जो अभी